तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्पेशल, आज ब्लॉगिंग चलेगी क्रैक्स के ऊपर। क्रैक क्रैक पटाके पटाका स्काइट शॉट है ना, मैं आज का आपको खोल के दिखाऊंगा कि उसमें क्या सीन रहता है, खोल के भी और बजा के भी। तो ये ब्लॉग आज सारा उसी पे जाने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम आ गए नहा धो के, खाना खुना खा के शॉप पे, और शॉप पे मैं अभी सफाई करूंगा और मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे और फिर जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, पटाखों की फैक्ट्री में। वहां से एक पटाखा लेंगे स्काई शॉट बड़े वाला, ठीक है, उसको खोल लेंगे, सारा दिखाऊंगा आप ब्लॉग में, बड़ा मजा आने वाला है। टेंशन ना लो, पैसे वसूल हो जाएंगे आपके। तो चलो भाई ये भी बताऊंगा उसके अंदर क्या है, उसके लिए यार भी लेके जाएंगे, यार भी जाने से पहले हम तैयार कर लेंगे सारा कुछ। तो फ्रेंड्स हम जाने के लिए तैयार हैं। हम जाने के लिए क्या क्या चीज़ लेंगे, पटाखा खोलने के लिए पेचकस की जरूरत पड़ सकती है, पेचकस भी ले लेंगे, टेस्ट पिन भी ले लेंगे छोटे वाला पेचकस, ठीक है। पटाखे को काटने के लिए ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, तो ब्लेड भी हम ले लेंगे, और लास्ट में प्लास नहीं है, और पटाखा खोल के भी तो दिखाना है। अभी उससे पहले भी हम एक माचिस भी ले लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ है नहीं, एक दो तिली हैं, ले लेते हैं, इसको बैग में डाल लेते हैं। एक्शन कैमरा हमारा चार्ज हो गया। उससे भी पहले हम नागपाल जी से पूछ आते हैं कि वो तैयार है, उनकी है गया शॉप पे, उनकी शॉप मेरे पास ही है, तो चलो पहले उनके पास ही जा जाते हैं। मेरा कैमरा कुमरा तैयार हो रहा है, तो अभी उनके पास जाके मैं पूछ के आऊँगा। उनकी शॉप भी है, मतलब कि चलो शॉप को लॉक लगा लिया। ये नागपाल जी, पर नाम भूल गया मैं, वैसे मैं इनको ट्रैक्टर को बताता था, नागपाल जी बताता वो भैया गोदाम पे जाएंगे। तो भैया गोदाम पे चले, गोदाम इन पे मिलेगा। गोदाम का नाम क्या था, MR क्या, आर फायर वर्क्स, वैसे कोरियर कोरियर को RM फायर वर्क्स वर्क्स। तो चलो चले। तो फ्रेंड्स गोदाम भी इन्हीं का है, और ये मेरे पास में ही अपने खासी भी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो नागपाल जी, मैं तो इनको नागपाल जी बताता हूँ, वैसे मैं रात को दुकान खुली छोड़ी हूँ, तो ये मुझे बता देते हैं रात को 10 बजे दुकान खुली टेंचर में। तो चलो चले अभी इनके गोदाम में चलते हैं। फ्रेंड्स हम पटाखों के गोदाम में पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे पटाखों का गोदाम है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी पटाखे लगते हैं तो पूरा मतलब कि यहाँ शहर का इलाका नहीं होता, ताजा आपको पता है ना कि क्या क्या हो सकता है। तो ये है RM फायर वर्क्स। तो चलो आपको ये गोदाम दिखा देता हूँ। अगर आपने परचेज़ करना है गोदाम, लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने करना क्या है,
लोकेशन पे क्लिक करना है, सारी आपको डिटेल मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी नीचे मिल जाएंगे। अगर आप दुकानदार हो चाहे फिर आपने वैसे माल परचेज करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो अब आप आपको वर्कशॉप दिखाता हूँ, इसमें कौन कौन से पटाखे हैं, कोई नए पटाखे भी आए हैं, तो चलो स्टार्ट करें। ये स्काइड रोड वाला सड़क है, इसके सामने आपको ये पटाखे बड़े बड़े लिखे हुए दिख जाएंगे, तो RM फायर वर्क्स आपको मिल जाएगा। ये फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये देख सकते हो कि अभी दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो ये सारे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो ये सारे पटाखे ही है एकदम। अब थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा देता हूँ। यहाँ पे ये भैया ओनर है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिए थे, ये सारे पटाखे हैं। आपको लोकेशन लिंक में सारा कुछ मिल जाएगा, तो अब म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड में आपको दिखा। आनी है तो यहाँ पे कुछ पटाखे नए आए हैं, जैसे कि ये ड्रोन आया हुआ है, ये 4 व्हील आया हुआ है, और ये 5G गोल्ड आया हुआ है। ये कुछ पटाखे नए आए हुए हैं, और जो लड़ीज चलाने के आदि है, जिनको बहुत शौक है कि यहाँ पे पांच सड़क में लंबे पटाखे रखे चलाने हैं ना, तो ये 5-10 हज़ार से स्टार्ट हो गए, 5 हज़ार और 10 हज़ार, मतलब कि सबसे छोटी लड़ी, मतलब कि आपके बजट के हिसाब से उससे बड़ी लड़ी, उससे बड़ी लड़ी, अगर आप और ज़्यादा बजट खर्च लेते हो तो वो 240 शॉट है, मतलब कि लगा के आप आधा घंटा पौना घंटा बैठ जाओ और आनंद लो मोबाइल का कैमरा ऑन करके। तो आज क्या सीन है, आज सीन ये है कि मैं आज स्पाइडरमैन, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्पाइडरमैन इसके अंदर क्या आइटम भरी हुई है, वो कैसे चलती है, दोनों बकायदा एक चीज़ को भी चला के दिखाऊंगा, और पहले इसको काट फीट के दिखाएंगे इसके अंदर है क्या। मतलब कि ये मेरा नया कॉन्सेप्ट है, ये मैं सस्ता इसलिए चला रहा हूँ, मतलब कि ये इससे भी प्रीमियम प्रीमियम है। अगर आपने सपोर्ट की तो अगली बार ये पटाखा तोड़ के दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे। फिलहाल मेरी ब्लॉग पता नहीं कैसा होगा, कि इसलिए एक्सपीरियंस है कि मतलब कि फर्स्ट वीडियो है मेरी पटाखे के ऊपर। दिवाली पास में आ रही है, दशहरा पास में आ रहा है। अगर आपने परचेज़ करना है तो आप गोदाम का लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आ सकते हो। फिलहाल हम स्पाइडरमैन को खोल फील के देखेंगे इसके अंदर कौन से चश्मे या कौन से जाल फेंक रहा है ये। और ये इसमें कलर भी आपको मल्टी कलर भी मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक ग्रीन, रेड और शायद येलो भी मिलता होगा। पर फिलहाल आप इसका ऑपरेशन करके दिखाऊंगा मैं, और बकायदा ये 3 है, 3 में से 2 चला के दिखाऊंगा और एक को क्या खोलना हमने, ठीक है। और रात का सीन ऐसा है कि देखेंगे, एक मैं कोशिश हुआ, कन्फर्म नहीं कहता, कोशिश हुआ तो एक मैं रात को चला के दिखा दूंगा, कन्फर्म नहीं है, पर फिर भी मैं आप इसके दिखाऊंगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे, और नेक्स्ट वीडियो में ना इस गोदाम की सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपको कल या परसों तक आ जाएगी। इस गोदाम में आपको कौन कौन से ब्रांड के पटाखे मिल जाएंगे, किस रेंज से स्टार्ट हो गए, किस रेंज तक एंड मिल जाएंगे। एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादातर वहाँ वही इंसान है ना जिन्होंने अपनी शॉप के लिए सेल करने के लिए पटाखे परचेज करने हैं, पर कई शौकीन ऐसे होते हैं जो 10-20 हज़ार के पटाखे परचेज करते हैं, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कहेंगे बात की जाए तो ये आपको सिंगल डब्बी, यहाँ अगर आप आ रहे हो इतनी दूर से सिंगल डब्बी लेने के लिए, वैसे नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको सिंगल डब्बी मिल जाएगी, मेरा नाम लेना पड़ेगा आपको, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो भी आपको मिलेगा पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये भैया खड़े हैं ओनर, भैया डिस्काउंट मिल जाएगा ना, बिल्कुल मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं ना, खड़े इधर, प्लीज मास्क उतारिए, नमस्कार एक बार। तो ये अभी हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सारे उजार उजूर ले आया है, क्या वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और, ये ड्रोन है, ड्रोन कैसा सिस्टम है आपको दिखा देता हूँ, ड्रोन का सिस्टम मेरे पास खुला भी पड़ा हुआ है। ड्रोन सिस्टम ये है, देखो ये वाला ड्रोन सिस्टम है, ये चलेगा कुछ ऐसे, ये देखो चलेगा कैसे, जैसे ये फुल चढ़ियाँ नीचे से लगाता चलेगा, ये ऐसा रखेंगे, मतलब कि उल्टा नहीं रखना है, इसको सीधा रखना है, सीधा रख के चलाना है। और ये आई थिंक ये ऐसे रख के चलेगा, ऐसे रख के आप इसको आग लगाओगे फिर ये घूमेगा, ये ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा आई थिंक। और ये चलेगा और इसके ना आग निकलेगी नीचे से, मतलब कि ड्रोन जैसे ये आप दिखा रहे हो ना, ये 2 साइड से दिखा रहे हो, पर ये 1 साइड से ही निकालेगा, पर ड्रोन जब ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर उड़ेगा, मेन बात ये ऊपर उड़ेगा। ये नई आइटम आई हुई है, ड्रोन प्लस 9, ठीक है ना। तो ये 4 व्हील आए हुए हैं, 4 व्हील भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। 4 व्हील चक्री है आई थिंक, कुछ इसका अलग कंसेप्ट होगा मेरे ख्याल से। 4 व्हील है, ये चेक कर सकते हो, ये ऐसे चलेगी,
ये पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल, प्रदूषण नहीं आता, नहीं आता। जब ये चलेगी तो ये धुआं ऐसा धुआं करती है जो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये अनार भी ऐसा है जो पूरी क्रैकलिंग करता है, ये डिफरेंट है, पूरे कुरुक्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे मेन बात सुन लो, मेड इन इंडिया। हाँ, और आर एम फायर वर्क्स कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही मिलेगा ये सब माल। मतलब की लोकेशन लेके आपको नीचे आ जाएगा। ये भी नई आइटम है, ये भी नई आइटम है। ये पांच तरह का अनार चलता है और पूरा पिकॉक बना देता है चलने के बाद, और बहुत अच्छा ये भी कंसेप्ट है, घर में अच्छा लगेगा। ये सारे नए हैं। एक चीज़ और बतानी थी, ओहो बेचारी पबजी बैन होगी, कोई हाल नहीं, अब पबजी पटाखों में फटेगी। पबजी बैन होगी, इसमें कलर बहुत आते हैं, पबजी आती है इसमें, मतलब कि ये सिंपल सा कलर हो तो जो येलो चलता है, ये ग्रीन और ये रेड। तो आज हम स्पाइडरमैन का मतलब कि इसे चिकित्सा कर देंगे, इसको हलाल कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे। आपको की जानकारी अगली वीडियो में दे दूंगा, फिलहाल यहाँ से मैं बता दूँ 50 रुपये से आइटम स्टार्ट हो जाती है और जाने को 10-20-50 हज़ार तक चली जाती है। अगर आप बल्क में ले लोगे तो 50 हो जाएगी, लाख हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी। पर सबसे महंगा वाला पटाखा कितने का होगा भैया? भाई साहब ये 10 रुपये से शुरू हो जाती है। अच्छा, 10 रुपये से उल्टा हो गया, 50 रुपये से स्टार्ट, ओनली 10 रुपीज से 10 रुपये से शुरू हो जाती है। पर नहीं, वो क्या कहते हैं, सबसे महंगे वाला पटाखा कितने का होगा? सबसे महंगे वाला 240 शॉट आ जाएगा और 500 शॉट भी आने वाला है, वो भी मिल जाएगा। ये कितने का होगा? ये लगभग 3,500 रुपए का, 3,500 का। और ये 10,000 की लड़ी, 10,000 रुपए वाली लड़ी आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगी और अच्छी है ये, बहुत बढ़िया। 10,000 वाली लड़ी उनकी 3,000 रुपए में आपको मिल रही है। मैं एक चीज बता दूं, जो पटाखों का रेट अभी भैया बता रहे हैं जी, आज अक्टूबर का महीना, सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर के महीने में जो इसका रेट है वो अक्टूबर के महीने में बढ़ जाएगा, नवंबर में और बढ़ जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली पास आएगी वैसे वैसे रेट बढ़ते जाएगा। ये ना कि आओ भैया वीडियो में ये बताया था, अब हम आए हैं महंगे, आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल लेने आओगे तो आपको ये 3,000 की मिलेगी एक महीने तक, मतलब कि सितंबर के महीने तक ये 3,000 की है। अक्टूबर चढ़ गया तो ये महंगी हो जाएगी, नवंबर चढ़ गया तो ये और महंगी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना दुकानदार जो अभी माल उठाने लग जाते हैं, अभी ये देख सकते हो सारे वर्कर अभी काम कर रहे हैं, दुकानदारों ने ऑर्डर लिखा दिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल हम पटाखे का करते हैं क्रियक्रम, स्टार्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करें। वैसे इसका भैया इसका रेट बताना, ये कितने का है? ये तीन स्पाइडरमैन कितने के मिलेंगे? 250 250 का ये आपको मिलेगा, 250 का आपको मिलेगा ये स्पाइडरमैन, और ओनली 50 रुपये में मिलेगा ये, 50 रुपये का मिलेगा, ये भी सेम है, इससे थोड़ा छोटा है। वैसे अगर इसका रेट दिखाऊं, ये देखो रेट देखो। तो फ्रेंड्स चलो हम फिलहाल इसको कार्यक्रम शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वैसे ये ऊपर जाकर फटता है, सिंपल है, पर इसकी जब वीडियो आने वाली है ना तो और आपको कंसेप्ट, मेरा एक्सपीरियंस कम है इसमें, आपको पता फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ इसको मैं बता दूँ, ये 150 में भी आता है, पर ये अलग अलग ब्रांड, अलग अलग मतलब कि जिसमें मसाला कम है या कुछ कम है तो उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, और देखने को सारे एक जैसे होते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ब्रांड जो मिलेंगे वो मिक्स मिलेंगे, कोक का मिल जाएगा, कबूतर का मिल जाएगा, चिड़ी का मिल जाएगा, तोता मिल जाएगा, वो अलग अलग ब्रांड है, तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग हिसाब रहता है। जैसे ये 10,000 लड़ी है, ये 3,000 की है, तो ये अलग ब्रांड में आएगी, उसका अपना रेट होगा, वो क्या पता 2,000 रुपये में दे दे, 1,500 में भी दे दे, जो ब्रांड ब्रांड अपने हिसाब से ब्रांड बेचता है। जैसे कि नाइकी की कॉपी मिलती है वो आपको 500 रुपये में मिले, वही आपको नाइकी के शोरूम में जाके 15,000 का मिलेगा, वो सिस्टम समझ गए होंगे आप। तो चलो अब फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए, हाँ नए पटाखे का भी ऑपरेशन करके दिखाऊंगा जो कि अभी नए आए हुए हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बता सब में से कौन सा पटाखा सबसे बेस्ट लगा है। बाकी ये वैसे ये माचिस है, स्टिक है, और ये 10 पीस का सेट है, ठीक है, जो भी स्पाइडरमैन आयरन मैन जो पसंद करता है तो अपने हिसाब से चला सकता है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो लंबी है थोड़ी सी उसके लिए सॉरी, आगे का जो ब्लॉग होगा ना जिसमें मैंने मोटर बाइक की हुई है ये कैंसिल करके तो छोटा ब्लॉग बनाऊंगा, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो इस गोदाम का टूर दिखाऊंगा कि इस गोदाम में कौन कौन से पटाखे मिलते हैं, क्या रेट पे मिलते हैं, मतलब कि ड्रेस तो खैर इस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो में भी आपको ड्रेस मिल जाएगा। दिवाली पास में आ रही है, वैसे मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ, अगर आपने पटाखे प्रीमियम मतलब कि आपने ज़्यादा खरीदने हैं, बल्क में खरीदने पटाखे, तो आपको महीने दो महीने जैसे कि ये महीने परचेज करने का सबसे सही टाइम रहता है। इससे क्या होता है, एक तो पटाखे जल्दी कहीं ख़राब नहीं होते, 3 महीने स्टोर करोगे तो कोई पटाखे ख़राब नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात कि पटाखे सस्ते रेट में मिल जाएंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक ये जैसे ये 100 रुपये का है तो ये अभी आपको 75 रुपये का मिल जाएगा, या 50 रुपये का, या फिर 60 रुपये का मिल जाएगा, पर जैसे सितंबर बीतेगा ये 80 रुपये का हो जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगी, नवंबर आ जाएगा, तो ये जनवरी आपको 100 का ही मिलेगा, ठीक है। और कस्टमर जो दुकानदार होगा वो आपको इसको 150 रुपये का देगा, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे ये सिंपल एग्जाम्पल बताया कि ऐसे जैसे जैसे टाइम बीते जाएगा वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि माल की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो बस
मोर मार भी आपको तोड़ के दिखा देंगे, ठीक है, इसको चला के भी दिखा देंगे, टेंशन ना लो। और अभी क्या है कि जब तक स्विमिंग नहीं चल रही तब तक आपको कुछ दिवाली वाला आ रहा है, दिवाली का दिखा देंगे, फिर जब गीता जयंती इस बार तो लगे ही नहीं कोरोना की वजह से, तो कुछ ना कुछ इस कंसेप्ट तो मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा फिलहाल दिवाली के लिए और दशहरे के लिए आपको कुछ अलग सा जो ऐसे वाले आ रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है तो वो दिखा दें। और बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना, वीडियो लंबी है उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगा कि इसको छोटी कर सकूँ, कुछ क्लिप बीच में से काट के जैसे मॉर्निंग का भाई का भी देखते हो क्या होता क्या नहीं होता। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो।